मुझे साइकिल का पहिया कहाँ मिलेगा बता सकते हो? पहिया किस लिए? खेलने के लिए, वो लकड़ी से ढकेल कर पहिया पहिया। मुझे 5 रुपए दो तो मैं तुम्हें एक नया पहिया बना कर दे सकता हूँ। इतनी बड़ी रकम? मैं पिताजी जितना बड़ा हो जाऊंगा तभी मेरे पास उतने पैसे होंगे। तो पहिया भूल जाओ भैया। मगर कैसे भूल जाऊं, सपने में भी पहिया आता है मुझे। और कोई रास्ता नहीं है क्या? एक रास्ता है। बताइए ना, बताइए ना मुझे। अन्ना हाँ हाँ लेके जाओ, इधर आओ, जल्दी से आओ, आजा, बैठ बैठ। मैं पैसा बनाने का एक तरीका जानता हूँ। मेरे घर में खास धातु का बना हुआ एक बर्तन है, उसमें जड़ी बूटियों के साथ मैं तांबे के पैसे भी डाल देता हूँ। फिर मैं उसे जमीन में गाड़ कर उसके सामने योगाभ्यास करता हूँ। रात को सवेरे जब मैं उसे खोलता हूँ तांबे के पैसे चांदी में बदल गए होते हैं। आप ये जादू मेरे लिए कर सकेंगे? पता नहीं, देखना होगा। जड़ी बूटियां ढूंढने 250 मील दूर चलकर जाना होगा। हाँ चल लीजिए ना, मेरे लिए। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा जादू। तुम भी क्या याद रखोगे भैया, पर सबसे पहले तू 6 तांबे के पैसे ले आओ, उतना तो दे सकोगे ना? 6 पैसे तांबे के? हाँ 6 पैसे ले आऊंगा, 1-2 दिन लग जाएंगे। 1-2 दिन नहीं, आज ही लाने होंगे तुम्हें पैसे। अगर मेरे मालिक ने बाहर गांव जाने की ठान ली तो मुझे उसे लेकर जाना होगा, फिर मैं कुछ दिनों तक तुम्हें मिलूंगा नहीं। नहीं तुम जाना मत, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। दादी माँ तुम्हारे पास 6 पैसे हैं? जल्दी मुझे दो ना। 6 पैसे? मेरे पास इतने पैसे कहाँ है राजा? मेरे नाम में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ गया कोई। मैंने देखा है तुम्हारे तकिए के नीचे इतना पैसा है। उसमें कुछ नहीं है राजा, देख ले। ढूंढता हूँ। दादी माँ तुम मुझे 6 पैसे नहीं दे सकती? अरे चामी, कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुझे पैसों की क्या जरूरत है? सिर्फ बड़ों को पैसों की जरूरत होती है क्या? देखो दादी माँ, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे दो, यूं ही सवाल मत करना। तो अपने पिताजी से मांग। पिताजी, मुझे 2 आने चाहिए, सिर्फ 6 पाए। क्या? चल अच्छे से। इनके पास भी पैसे नहीं, ये घर चलता कैसे है? एक रास्ता है। एक, दो, तीन, चार, पांच। कृष्णा, अगर तुम इन 6 पत्थरों को 6 पैसे बना दो, मैं अपने नाखून चबाना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। हे शक्तिशाली,
तुमने तो सात सर वाले कालिंगा का वध किया है, मुझे तो छह पैसे दो ना। तुम्हारी कसम मैं अपने नाखून चबाना एक साल के लिए छोड़ दूंगा। आधे घंटे में आता हूं। स्वामी जरा सुबह को संभाल लोगे, मुझे दही जमाना है। अभी नहीं, मुझे काम है। मुझे दे, मैं संभाल लूंगी। भगवान को गाली नहीं दे सकते, उसने अपना गुस्सा माया दादी माया सुबह पे निकाला तो वो कौन हो तुम? क्या चाहिए? तुम कौन हो? मेरे घर में मुझे ही पूछते हो मैं कौन हूं? मनी से बात करनी है तो अंदर आओ, भीगो मत। हाँ ठीक है। मनी? कौन है? ए मनी, बात कर लो जल्दी जल्दी। वो है कौन? चाचा चल सर पूछ ले, बात क्या है? मैं जल्दी में हूँ, मुझे छह पैसे चाहिए, गाड़ी वाले को देने हैं ना, पहिया चाहिए। पहिया? हाँ, उसके बिना मैं मर जाऊंगा, जल्दी छह पैसे। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं देता। तेरी चाचा से कुछ पैसे उधार। ये डिब्बा तेरी चाचा का है? हाँ। उसमें पैसे रखते हैं क्या? पता नहीं, चलना देखते हैं। अरे चलना। अरे इन कुत्तों को यहाँ से भगाओ, एक पत्थर लेके आओ। हाँ चाचा। जल्दी, गंदे जानवर कहीं के, पता नहीं कब इन कुत्तों पर भूत प्रेत या दुष्प्रभाव हावी होते हैं। ए, पहिया तैयार हो गया क्या? पहिया? कौन सा पहिया? भाग गया ऐसे? कौन सा पहिया यानी? मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, वो पहिया। क्या बक रहे हो, कौन से पैसे दिए थे? मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। जानते नहीं? क्यों बनते हो? तीन बार छह छह पैसे ले चुके हो मुझसे। अगर मेरा पहिया तैयार नहीं तो पैसे वापस कर दो। दिमाग मत खा मेरा, भाग गया ऐसे। है चोर, हट हट हट, जाते के नहीं, तुम तो चोर हो। माँ, मेरे पैसे दो।
ये चोर का घर है, ये चोर का घर है। चोर! क्या चिल्ला रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अपने पिताजी से कह दे, या तो मेरा पहिया दे दे, या तो मेरे पैसे दे दे। आज के बाद तू यहाँ मुंह मत दिखा, समझे? तू कौन होता है मुझे डराने वाला? मैं आऊंगा। आएगा? अजम बाजम, मुझे एक पुलिस वाला चाहिए। पुलिस वाला? क्यों? उस कमीने गाड़ी वाले ने मेरे पैसे चुराए। क्या? पैसे चुराए गाड़ी वाले ने? ठीक से बता क्या हुआ। भैया चाहिए था ना मुझे, 6 पैसे दिए। अब पैसे मांगू तो कुत्ता छोड़ने की धमकी देता है। कुत्ता है उसके पास? पता नहीं, उसकी घर से कभी भौंकने की आवाज तो सुनाई नहीं थी। कहाँ है उसका घर? बस यही सरयू नदी के पास। पता है पूरे 2 आने चुराए हैं उसने मेरे। पहले तो तूने 6 पैसे कहा था। हाँ, 3 बार 6 पैसे दिए हैं मैंने उसे। पहले 12 पैसे जड़ी बूटियों के लिए, फिर 6 पैसे चांदी बनाने के लिए। तब तो 1.5 आना हुआ। नहीं राजम, 2 आने। मेरे प्यारे बच्चू, 12 पैसे का 1 आना। तूने उसे 3 बार 6 पैसे दिए, मतलब 18 पैसे या 1.5 आना। क्यों बहस करता है? कितने पैसों का आना, कितने आनों का रुपया? मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। स्वामी, पैसों के मामले में आदमी को हमेशा तेज रहना चाहिए। फिर क्या हुआ? कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे टालता रहा। अब तो पहचान में नहीं दिखाता, ऊपर से धमकी देता है। कुछ भी करके वो पैसे वापस लेने हैं हमें। हाँ, वो गाड़ी वाले का बेटा है ना, उसका अगर हम अपहरण कर दें तो हमारा काम यूं हो जाएगा। अपहरण? नहीं 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 नहीं। चुप, मेरे हाथों में आने दे उसे, कछुंबर बना दूंगा, नानी याद आ जाएगी। मुझे एक तरकीब सूझी है। अपहरण की? हाँ, अपहरण की। मनी, मुझे लगता है उस गाड़ी वाले के बेटे ने मेरे पैसे लौटा दिए हैं। अच्छा, लगता है। दिखा पैसे, दिखा। हाँ, चल चल राजम, अपहरण नहीं। मनी, इसे भागने मत देना। हाँ हाँ राजम। मनी, हम इस किसे को भूल जाए तो वो बहुत खतरनाक लड़का है, मैं नहीं भागूंगा। ए, अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तेरा गला मरोड़ दूंगा। राजम, अगर पुलिस को पता चल गया ना तो बड़ी मुसीबत में होंगे हम लोग, फांसी भी हो सकती है। हाँ ठीक है, कहाँ है उसका घर? इस तरफ। वो तीसरा घर है ना, उसका है। तुम जाओ और अपना काम पूरा करो, मैं यही निगाह रखता हूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड बी विथ यू। कामयाब होके लौट आओ, बेस्ट ऑफ लक। तू भी मेरे साथ चल, मुझे एक तरकीब सूझी है। नहीं नहीं नहीं, राजम ने क्या कहा था, मैं यही रहूंगा तो अकेला जाएगा। अब मेरे साथ चल, नई तरकीब है। ए छोड़ ना, मैं नहीं आऊंगा। अबे चल। ए, मनी, ए क्या कर रहे, छोड़ ना, उतार ना मुझे। ए छोड़ ना मनी। तेरी तो ये ले। मनी, क्या कर रहा है, मार मत मुझे। ए, क्या बात है, क्यों झगड़ रहे हो? मैं इस लड़के को जानता भी नहीं और ये कह रहा है मैंने उसे पैसे लिए। पैसे इस उम्र में? मैंने तुझसे पैसे लिए क्यों? इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। तू मेरी मदद करेगा? हम दोनों मिलकर इसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। तो तूने कैसे कह दिया, इसे जेल भेज दो। बस क्या दिया? ये तुझे भी परेशान करता है ना? करता होगा।
तेरे पिताजी ने मुझसे दो आने लिए, वो कहाँ है? माँ, तुझे लट्टू चाहिए? लट्टू? हाँ, ये लट्टू तो मैं तुझे नहीं दे सकता। हाँ, अगर तू मेरे साथ आएगा तो मैं तुझे इससे बड़ा लट्टू दूंगा। मेरा दोस्त बन जा, बनेगा? पहले लट्टू दिखा। ले। अरे लट्टू ले गया। लट्टू चोर। ए ए लट्टू देना। ए ए चोर। ए ए चोर। ए ए ए अहिंसा के बल पर। देखो तुम लोग इस बस्ती में गड़बड़ नहीं करना। हाँ, अहिंसा के बल पर ही हम अंग्रेजों को यहाँ से हटा सकते हैं। अरे सुनाई नहीं देता क्या? मेरा लट्टू चुराया और मेरे तीन आने। अच्छा, शाम को आके ले जाना। नहीं, अभी। अभी चाहिए? देता हूँ। ले। आओ, मनी भाग। भाग यहाँ से। भाग। मैंने जैसे कहा था, वो क्यों नहीं किया तुमने? बस यूं ही अक्कल लड़ाने गए थे। मैंने इसे गाड़ी वाले का घर दिखाया, पर वहाँ से मुझे खींच कर आगे ले गया। मेरा खून करने वाला था ये। दोस्तों, माना कि मैं सचमुच गधा हूँ, मुझे लगा मेरी तरकीब से काम हो जाएगा। मैंने लट्टू कसकर पकड़ा होता तो अब तक वो काल कोठरी में बंद पड़ा होता। बंद पड़ा होता? अभी भी पीठ में दर्द है, गर्दन भी दुख रही है। ए मणि, इतनी जोर का क्यों मारा उसे? शिक्षा देना चाहो तो मैं अपने सर पर 10 मिनट खड़ा हो जाऊं। मैं तो सिर्फ झूठ मूठ से मारने लगा ताकि गाड़ी वाले का बेटा ये समझे कि मैं स्वामी का दुश्मन हूँ। झूठ मूठ? वारे वाह पहलवान, कितने बजे हैं? 5, 6, 7। क्या, मैं चला पिताजी के साथ क्लब जाना है। क्लब? अंग्रेजों से भारत को केवल हानि ही पहुंची है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मिसाल के तौर पर मैकॉले, बेंथम, मिल्स। पर जब वही अंग्रेज ये पूछते हैं कि क्या हम आजादी के लिए तैयार हैं, तो इट्स एन इररिलेवेंट क्वेश्चन। यस आई एग्री। इस प्रश्न का अर्थ ही क्या है? ये बात सही है कि हमने अभी तक आधुनिकता अपनाई नहीं है, पर हम अपना लेंगे, सीख लेंगे। आखिर स्वतंत्रता अनुभव की बात है और यह अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें समय लगेगा ही। क्या है? पिताजी, हम अभी घर जा रहे हैं ना? हाँ हाँ जा रहे हैं। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय हमेशा कहते थे, हमारी पुरातन संस्कृति। हाँ हाँ, नहीं पिल्ले चाचा अपनी गाड़ी में हमें घर पहुंचा देंगे। हाँ। पिताजी, क्या कह रहा है? गाड़ी कहाँ? मालवीय जी, हाँ गाड़ी गेट के पास है, तुम जानते हो स्वामी। तो मैं कह रहा था मालवीय, वो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है। हमारी संस्कृति का यही तो सबसे बड़ा गुण है कि विभिन्न संस्कृतियों की अच्छी बातों को तुरंत अपना लेती है। बैठिए। बात बिल्कुल सही है, पर हम इसे भूल जाते हैं ना। That is our national tragedy। यही तो बात है, अगर हम नहीं भूलते तो मजा लगे। स्वामी!